हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में आज हम क्लास एट इंग्लिश के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के, के स्टूडेंट्स के लिए है अगर आप साइंस और हिंदी के हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट के हाफ ईयरली पेपर से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो दिए गए पैसेज को रीड करिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए चलिए इसे रीड करते हैं पहला पैराग्राफ है वन ऑफ द ग्रेट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ पंक्चुअलिटी का अर्थ है समय की पाबंदी समय की पाबंदी का एक बहुत बड़ा महत्व तो यह है कि ये जीवन को अनुशासन प्रदान करती है वी हैव टू गेट अप ऑन टाइम वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम हमें समय पर उठना होता है और हमें नियत टाइम पर काम करना होता है दे इंटर सर्टिन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस दे डिसनेस एंड रिमूव अवर टेक इन इजी एटीट्यूड इसके लिए कुछ हद तक त्याग करना पड़ता है ये आलस्य को दूर करता है और ये हमारे आराम से काम करने के रवैये को भी त्याग करता है अ डिसिप्लिन पर्सन आलवेज गेट रिकोग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस डिसिप्लिन व्यक्ति को हमेशा एक पहचान मिलती है और सामाजिक स्वीकृति भी मिलती है ही इज वांटेड एंड एप्रिशिएटेड देयर फोर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल पंक्चुअल व्यक्ति की एक पहचान होती है और उसे सराहा भी जाता है इस तरह से पंक्चुअलिटी हमें सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल पीपल बना देती है ये पूरा पैसेज पंक्चुअलिटी से रिलेटेड है इसमें कई पैराग्राफ हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैसेज काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं इसे रीड नहीं कर रही हूँ आप इसे रीड कर लीजिएगा चलिए इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं टिक वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू टाइप के पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग पंक्चुअल पंक्चुअल होने के क्या फायदे हैं पहला पंक्चुअलिटी डिस्ट्रॉय द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ दूसरा पंक्चुअलिटी इंटेल अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस तीसरा पंक्चुअलिटी हेल्प टू गेन एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन और लास्ट है पंक्चुअलिटी टीचेज अस अ टेक इट इजी एटीट्यूड करेक्ट ऑप्शन है पंक्चुअलिटी हेल्प्स टू गेन एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन सेकेंड क्वेश्चन है वॉट पंक्चुअली क्या होगा अगर हम काम को पंक्चुअली करेंगे करेक्ट आंसर है इट प्रोवाइड एम्पल टाइम टू कम्प्लीट एनी वर्क ऑफ टाइम एम्पल मीस होता है पर्याप्त किसी काम को करने के लिए हमें पर्याप्त समय मिलेगा विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मैं अबाउट पंक्चुअलिटी इन द गि पैसेज दिए हुए पैसेज में पंक्चुअलिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन है सी पंक्चुअलिटी इज एन इन बॉर्न हैबिट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और पैसेज में भी दिया हुआ नहीं है फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेस्ट टाइटल फॉर द गिव इन पैसेज दिए हुए पैसेज के लिए बेस्ट टाइटल दीजिए करेक्ट आंसर है बी पंक्चुअलिटी आ डेफिनेट की ऑफ सक्सेस आप पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हाउ डू अनपंक्चुअल पीपल काज ट्रेबल टू अदर्स पैसेज को अवश्य पढ़िएगा अदरवाइज ये आंसर आपको समझ में नहीं आएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर है इट फोर्सेस अदर्स टू वेट फॉर देम दस वेस्टिंग देयर टाइम सेकेंड क्वेश्चन है वॉट डज आर डिसिप्लिन गेट आंसर है रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन यू विल यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था यहाँ पर हो जाएगा वर्क हरडली अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आपको अपने काम को जल्दी जल्दी बेतरतीबी से बिना सिक्वेंसिंग करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है वी आर नॉट बर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी सी वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स हम समय की पाबंदी के गुण के साथ अर्थात पंक्चुअलिटी के साथ पैदा नहीं हुए हैं ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि पंक्चुअलिटी हमें स्वयं अपनी लाइफ में डेवलप करना पड़ता है क्वेश्चन नंबर टू है रीड कॉमिक स्ट्रिप केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पर कॉमिक की एक स्ट्रिप दी हुई है इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं पहला क्वेश्चन है वॉट इज द नेम ऑफ द बॉय यहाँ पर देखिए नो थैंक्स कैल्विन आई जस्ट वेट टू रेस्ट बॉय का नाम था कैलविन सेकेंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डे इज इट यहाँ पर देखिए ही मॉम सिंस यू आर सिक आई एम ंग यू ब्रेकफास्ट इन बेड यहाँ पर ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है इसलिए मॉर्निंग का टाइम होगा आंसर हो जाएगा इट इज़ मॉर्निंग यहाँ पर देखिए आई प्रेपर्ड एग्स टोस्ट एंड ऑरेंज जूस फॉर यू ऑल बाई माई सेल्फ उसने ऐसा कहा था लेकिन अंडा जल गया था और पैन में चिपक गया था क्वेश्चन था वॉट डज ही प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में वो क्या बनाता है यहाँ पर अभी हमने देखा था

स्टोरी रीड करती थी सुनाती थी आंसर हो जाएगा हिज मदर रीड अ स्टोरी यहाँ पर लिखा हुआ है सम टाइम वेन आई एम सिक यू रीड मी अ स्टोरी सिक्स क्वेश्चन है इट इज हार्ड फॉर हिम टू बी यहाँ पर देखिए इट्स हार्ड टू बी अ मोम फॉर अ मोम माँ के लिए माँ बनना कठिन है आंसर हो जाएगा अ मोम फॉर अ मोम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स इन्फेक्शियस इसके लिए करेक्ट वर्ड है कॉन्टेजियस दोनों की मीनिंग है संक्रमण नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है क्वेश्चन है अटेंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स इनवाइटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर क्विज कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन थर्टी एथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आप स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल में थर्टी सेप्टेम्बर को क्विज़ कॉम्पिटिशन होने जा रहा है उसके लिए स्टूडेंट को इन्वाइट करने के लिए फिफ्टी वर्ड्स में एक नोटिस ड्राफ्ट करनी है नोटिस में स्कूल का नाम नहीं दिया है और आपका नाम भी नहीं दिया है इसलिए आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे क्विज़ कॉम्पिटिशन लिखेंगे करेंट डेट लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन कॉम्पिटिशन इज बींगज्ड ऑन थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर बाई 25th September 2024, इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्कूल और अपना नाम नोटिस लिखते समय इस तरह से अवश्य बनाइएगा और में है पब्लिक स्कूल राइट अन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट द म्यूजिक कार्निवल योर स्कूल पहले नोटिस की तरह आप ये भी नोटिस लिखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी चीजें चेंज होगी सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनाइए बॉक्स के अंदर स्कूल का नाम कॉम्पिटिशन का नाम करेंट डेट यहाँ पर टेंड कर लीजिएगा दिस इज टू इंफॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ म्यूजिक अम्पटिशन ऑन थर्टी ऑडिटोरियम इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड सबमिट देयर नेम टू देयर क्लास टीचर बाई ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सेक्रेटरी ऑफ म्यूजिक क्लब और अपना नाम क्वेश्चन नंबर फोर है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग राइट अ मीनिंगफुल स्टोरी बेस्ड ऑन दिस पिक्चर यहाँ पर एक पिक्चर दी है उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी लिखना है असाइन सीटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी स्टोरी का टाइटल भी लिखना है और राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी स्टोरी का मोरल भी लिखना है स्टोरी आप कुछ भी लिख सकते हैं इस पिक्चर में देखिए एक ये पर्सन दिखाई दे रहा है और एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है और इसके सामने पर्सन के सामने एक मशीन दिखाई दे रही है अर्थात ये एक टेलर है स्टोरी आप इस तरह से बना सकते हैं कि डेली एक एलिफेंट एक टेलर के पास जाता है टेलर उसे केला खाने को देता है इस तरह से दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है एक दिन जब एलिफेंट टेलर के पास पहुंचता है तो टेलर किसी बात से गुस्सा होता है वो एलिफेंट के ट्रंक में एक निडिल चुभा देता है एलिफेंट वहां से जाता है और रिवर से गंदा पानी ला करके इस तरह से टेलर की शॉप पर और उसके ऊपर डाल देता है जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं स्टोरी का टाइटल हो जाएगा द टेलर एंड द एलिफेंट स्टोरी आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं Once there was an elephant. He went to the river daily. He took a bath in the river. There was a tailor's shop on the way. The tailor gave banana to the elephant daily. They became friends. One day, the tailor was angry. The elephant came. The tailor did not welcome him. The elephant put his trunk into the shop. The tailor pricked his trunk with a needle. The elephant was angry, but he went away. द एलिफेंट वेन टू द रिवर ही फिल्ड हिस्ट्रंक विथ डर्टी वाटर ही केम बैक ही थ्रू द डर्टी वाटर इन टू द शॉप टेलर न्यू क्लॉथ वेयर स्पारेट और इस स्टोरी का मोरल हो जाएगा टिट फॉर टेट जैसे को तैसा क्वेश्चन नंबर फोर के और में क्वेश्चन दिया हुआ है गिविन बिलो इज एन आउटलाइन ऑफ अर स्टोरी इन विच आर डिसिप्लिन इज एक्सपेक्टिंग द विजिट ऑफ गॉड डेवलप अ कंप्लीट स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट गिवेन आल्सो स्टेट द मोरल ऑफ द स्टोरी इस क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक पार्ट टू वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपको पेपर का फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है तो पेपर की पी डी एफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दिस इज द एंड ऑफ वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग